Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our part 2 of your chapter number 13. This is part mein hum karenge iske next 3 pages, page number 152, 153 and 154. ठीक है? तो जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 152 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो, कल हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी फील्ड की, चाहे उसकी 3 साइड्स हैं, चाहे उसकी 4 साइड्स हैं, चाहे उसकी 5 साइड्स, हम उसकी बाउंड्री लेंथ कैसे निकाल सकते हैं. आपको जितनी भी साइड्स दी हैं, अगर आप उन सारी साइड्स का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, उन सबको ऐड कर दोगे, तो आपके पास पूरे फील्ड की लेंथ आ जाएगी. तो उसमें ही हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है. सेकेंड क्वेश्चन है, चंदोस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज. तो ये जस्ट एक स्टोरी है, ठीक है. एट 70 ईयर्स ऑफ एज ही इज फुल्ली फिट. डू यू नो सीक्रेट. तो कहते हैं जो चंदू के फादर है, चंदू के जो पापा है, वो यंग ओल्ड मैन कहे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फिट एंड फाइन है. क्या रीज़न है? क्योंकि वो रेगुलर वॉक करते हैं. अब देखो, डॉक्टर्स हमें भी बोलते हैं कि हमें रेगुलर वॉक करनी चाहिए. एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड. तो ये चंदू का फील्ड है, इसके कितने चक्कर लगाते हैं वो? 4. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इधर, यहाँ पे, फिर इधर, ये हो गया राउंड नंबर 1. फिर राउंड नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट किया, इधर, फिर राइट, फिर इधर, फिर इधर, ये होगा राउंड नंबर 2. फिर ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने लगाया 3rd राउंड, 1, 2, 3 एंड 4. एंड लास्ट राउंड वो लगाते हैं फिर से यहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक. इट मीन्स वो इस पूरे फील्ड के कितने राउंड लगा रहे हैं? 4 राउंड. तो आपको क्या ढूंढना है कि चारों राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो देखो, अगर हम एक राउंड का ढूंढे पहले, है ना. सो फर्स्ट राउंड में चंदू के जो फादर है, पहले इस साइड पे जाएंगे, इट मीन्स उन्होंने कितना कवर किया? 100 मीटर. फिर इस साइड जाएंगे, उन्होंने कितना कवर किया? 150 मीटर. फिर वो यहाँ पे आ गए, इट इज़ अगेन 100 मीटर. एंड द लास्ट साइड जो चंदू के गार्ड फील्ड की है, वो है 150 मीटर. तो देखो टोटल कितना हो गया उनके एक राउंड में. दिस इज 0, 0, 1 विल कैरी 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो मतलब एक राउंड में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 500 मीटर. तो ये जो फील्ड है, इसका जो हम बोल सकते हैं टोटल क्या है बाउंड्री का? 500 मीटर. इतना सा समझ आया? अब देखो, ये 1 राउंड का है, ठीक है. एक राउंड का कितना है? 500 मीटर. अब उन्होंने दूसरा राउंड निकाला, मतलब उन्होंने 500 मीटर और वॉक कर ली. फिर तीसरा राउंड निकाला, मतलब 500 और कर ली. फिर चौथा राउंड निकाला, 500 और कर ली. तो चारों का निकालने के लिए हम फिर इसका टोटल कर देंगे, इट विल बी 2000 मीटर, क्योंकि ये मीटर में डिस्टेंस गिवन है आपको, ठीक है. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एक राउंड में उन्होंने 500 मीटर निकाला है, तो 4 राउंड में कितने निकालेंगे? 500 × 4, विच इज़ इक्वल टू 2000 मीटर. तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एडिशन करके, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो. सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि उधर आपको ऑलरेडी फिलअप्स में दिया हुआ है. सो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, क्योंकि 500 एक का है, इट विल इक्वल टू 2000 मीटर. यहाँ तक समझ आया हमने इसको कैसे सॉल्व किया? सिंपल, हमने पहले बाउंड्री निकाली एक की, फिर हमने चारों की निकालने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ. अब हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, ग्राम में देखा था, कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. या मैं लिख सकती हूँ कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बट यहाँ कितना है हमारे पास? 2000 मीटर. तो 2000 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 किलोमीटर. ये तो वेरी इजी क्वेश्चन बन गया. सो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2. इट मीन्स जो चंदू के फादर है, वो डेली कितनी वॉक करते हैं? 2 किलोमीटर, जो कितने राउंड्स के इक्वल है? 4 राउंड्स के. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं, और क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो गणपत की वाइफ है, अभी गणपत के बारे में कल हमने देखा था, गणपत के फील्ड में वायर लगा रहे थे हम, आज गणपत की वाइफ के बारे में देखते हैं. वो एक टेलर की शॉप पे काम करते हैं. अब टेलर कौन होते हैं? जो हमारे कपड़े स्टिच करते हैं. शी हैज़ टू फिक्स अ लेस अराउंड द क्लॉथ. तो एक टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ जो टेबल पे बिछाया जाता है, उसके आसपास यहाँ पे उसको एक लेस लगानी है. वही सेम चीज़ की फील्ड के आसपास बाउंड्री लाइन लगानी है. शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस. वो टोटल कितनी लेस लेके आई? रोल लेके आई पूरी लेस का 100 मीटर का. सो सबसे पहले हम ढूंढें कि एक्जैक्ट हमारी लेस लगेगी कितनी. सो हम चारों साइड्स का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. यहाँ हम लिखेंगे मीटर की वैल्यू और यहाँ पे सेंटीमीटर. सो फर्स्ट वन इज़ 1 मीटर
50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट में आपको ओनली दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे है अगेन 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे क्या है 50 सेंटीमीटर। तो हम इन चारों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कपड़े की जो लेंथ है वो कितनी है। सो देखो 0 + 0 + 0 + 0 तो 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 20, 0 एंड 2 हमारा कैरी हो जाएगा। सो 2 + 1 + 1 4, इट मीन्स 4 कौन सी लाइन में आया है, मीटर। तो ये कितनी लेंथ हो गई, 4 मीटर, मतलब वो कपड़ा कितने मीटर का हो गया, 4 मीटर। हाउ मच लेस विल शी यूज इन 3 such tables, देखो एक टेबल के लिए कितनी यूज की उसने, 4 मीटर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 मीटर। अब कितने टेबल्स बनाने हैं उसने, कितने टेबल क्लॉथ बनाने हैं, 3, तो 3 के लिए मल्टीप्लाई करके देखो 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12 मीटर, तो कितनी लेस यूज कर लेगी वो, 12 मीटर, तो हम लिखेंगे 3 के लिए उसको लगेगी 12 मीटर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये भी इजीली सॉल्व हो गया। अब देखो उसको क्या करना है, हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट, कितनी बच गई, अब टोटल कितनी थी 100, कितनी यूज कर ली 12, तो माइनस कर देंगे, बची हुई निकल जाएगी ना, कैसे, आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, 2 आपने खा ली, तो कितनी बची, माइनस करके बताओगे ना कि मेरे पास 8 चॉकलेट्स बची, वैसे इसमें से माइनस करेंगे, देखो यहाँ हम बोरो करेंगे 10, 9 एंड इट विल बी 0, यहाँ आ गया हमारे पास 8 एंड 8, तो मतलब उसके पास कितनी लेस बच गई, 88 मीटर की लेस बच गई, ठीक है। सबसे पहले हमने पूरी लेस निकाली कि एक पे कितनी लगेगी, फिर हमने 3 की निकाली, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने बची हुई निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अबर क्वेश्चन नंबर 4, ओके 3 ही क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम हमारे पेज नंबर 153, इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप, अब इन शेप्स की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है लाइक दिस, हिंट यू कैन यूज अ थ्रेड। अब आप क्या करोगे, देखो आप एक धागा लोगे, ऐसे बड़ा सारा धागा लोगे, उस धागे को एक पॉइंट से शुरू करके ऐसे रखना स्टार्ट करो, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो जितना भी ये धागा रखा, फिर इस धागे को स्ट्रेट करके आप स्केल से मेजर करो कि वो कितना हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कितनी बाउंड्री है ना, तो आप सिंपली इन चारों की बाउंड्री फाइंड कर लोगे। दोबारा सुनो, जैसे ये डी है, मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, मेरे पास थ्रेड है, मैंने वो थ्रेड को ऐसे रखना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो इस थ्रेड की जितनी भी लेंथ होगी मैं उसको इंची टेप से या अपने स्केल की हेल्प से मेजर कर लूँगी और मैं लिख दूंगी कि इसकी जो बाउंड्री है वो इतनी है। सो यहाँ आपसे पूछा है हाउ मैनी स्क्वेयर आर देयर इन ईच शेप, स्क्वेयर क्या होता है, ऐसी जो शेप जिसके चारों साइड इक्वल होती है, सो बस आपको सिंपली स्क्वेयर बताना है, हम काउंट करते हैं, देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो ये रहा 1, मतलब इसमें तो एक ही स्क्वेयर है। सेकंड पे चलते हैं, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ थोड़ा, ये भी नहीं, सो इसमें 1 एंड 2, इसमें कितने स्क्वेयर है, 2, अब थर्ड वाली में है 1, 2 एंड 3, 3 स्क्वेयर्स और इसमें 2, तो हम लिखेंगे कि जो हमारी ए है, हमारी जो ए फिगर है उसमें कितने स्क्वेयर है, 1, बी में कितने स्क्वेयर है, 2, सी में कितने स्क्वेयर है, 3 एंड डी में कितने स्क्वेयर है, 2, सिंपल, समझ आया हमें स्क्वेयर्स काउंट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेप कवर्स लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर, सबसे कम स्क्वेयर किस में है, तो हम लिखेंगे कि जो हमारी ए वाली शेप है उसमें सबसे कम स्क्वेयर है, क्योंकि सबसे कम कौन है, 1, विच शेप कवर मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर, सबसे ज़्यादा किस में है, दैट इज सी, क्योंकि सी में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 3 स्क्वेयर्स, तो सी में कितने स्क्वेयर्स कवर हो रहे हैं हमारे, 3, तो यहाँ हम लिख देंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, तो यहाँ से जैसे आपका स्केल होता है ना 12 सेंटीमीटर का, तो आपको 20 सेंटीमीटर का एक थ्रेड लेना है। नाउ मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग द एंड, अब आपको ऐसे ऐसे शेप्स बनानी है एक एंड को दूसरे एंड से ऐसे ज्वाइन करके, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। प्लेस ऑन द स्क्वेयर शीट, फिर एक स्क्वेयर ऐसे चौरस एक स्क्वेयर शीट है दिस वन, इसके ऊपर प्लेस करते जाना है, इस शेप को इसके ऊपर आप ऐसे प्लेस कर दोगे। नाउ जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है, सो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको स्क्वेयर दिया हुआ है जैसे मैंने किया है यहाँ पे, आप ऐसे थ्रेड की हेल्प से ऐसे कोई भी शेप्स बना सकते हो। ये थ्रेड कितनी लेंथ का है, 20 सेंटीमीटर की, सबकी 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, तो मैंने 4 बनाए, आप जितने मर्जी बना लेना, जैसे यहाँ से आपने थ्रेड शुरू किया, ऐसे ऐसे करके कोई भी एक शेप बना दो, ठीक है। सो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन ईच शेप, तो सब में स्क्वेयर्स बताने हैं कितने कितने हैं, तो हम काउंट करते हैं जल्दी से जैसे पहले किए थे. सो देखो ए में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस वन इज 9. नाउ बी पे आ जाओ, जो सिर्फ कंप्लीट है वही काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3. बी में तो बहुत कम है. सी पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. डी में है हमारे स्क्वेयर्स, 1, 2, 3, 4 एंड बस 4. तो हम क्या लिखेंगे कि ए में हमारे स्क्वेयर्स हैं 9, बी में हमारे टोटल स्क्वेयर हैं 3, सी में हमारे स्क्वेयर्स हैं 6 एंड जो हमारा डी है उसमें कितने स्क्वेयर्स हैं, 4. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चले. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिगेस्ट शेप कौन सी है, सबसे बड़ी शेप कौन सी है. तो ये आपको देखने में पता चल जाएगा हमारी सबसे बड़ी शेप इसमें है ए. तो हम यहाँ लिख देंगे कि सबसे बड़ी है हमारी ए. और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, देखो इसमें से सबसे छोटी कौन सी लग रही है आपको, सबसे छोटी हमें लग रही है बी. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट है हमारी बी. लास्ट वन इज हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, बाउंड्री कितनी है. देखो धागा कितना लंबा लिया था, 20 सेंटीमीटर, तो सबकी बाउंड्री भी कितनी होगी, 20. सो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि एक ही धागे से सारा कुछ बनाया है ना. तो आप लिखोगे कि बाउंड्री ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी हमने सेम ही ली है. ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, दैट इज अवर पेज नंबर 154. हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाई ज्वाइनिंग टू स्क्वेयर, आपको दो स्क्वेयर, जैसे ये दो स्क्वेयर ज्वाइन किए शेप्स बनाने. तो देखो एक यहाँ बना रखा है ऑलरेडी, हम और क्या बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये दो स्क्वेयर हो गए, या हम इस तरह से बना सकते हैं, है ना, दो स्क्वेयर्स हो गए. और कैसे बना सकते हैं, ये राइट साइड पे, हम इसको लेफ्ट साइड पे बना सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऊपर बना सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, आपको वो सिंपल ड्रॉ करनी है टू के साथ सिर्फ. तो टू के साथ देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो ये सारी कितनी है हमारी टू वाली. सेकेंड में हमने बनाई है तीन के साथ, ये हो गया 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एंड इसमें भी 3, अगेन 3, फिर एल बन गया और ये यहाँ पे बन गया. तो ये कौन सी होगी हमारी 3 वाली. सिंपल आपको बतानी थी कि 3 स्क्वेयर्स को ज्वाइंट करके आप कैसी शेप बना सकते हो, 2 को ज्वाइंट करके आप कैसी शेप बना सकते हो. सो यहाँ पे जस्ट आपको बाउंड्री लाइन बनानी थी, ड्रॉ देम, हाउ लॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ईच शेप. तो इनकी बाउंड्री बतानी है, बाउंड्री आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे 1 है, सपोज करो इसकी लेंथ 1, 1, 1, 1, 1, 1 है, तो इसकी बाउंड्री कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ऐसे इसकी फाइंड करो, सबकी 1 है अगर, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी कितनी हो गई, 8. तो बस इस तरह से बाउंड्री फाइंड करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आपको बस ड्राइंग करनी है उसको. तो ये था आपका आज का पार्ट एंड पेज नंबर 154. कल इस चैप्टर के हम करेंगे नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 155 एंड 156. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.